अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तरफ से हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम मकई का आटा गूंदने लगे हैं, तो मैं सोचा कि मैं अपने वीरों को भी शेयर करती हूँ कि कैसे गूंदा जाता है और क्या क्या इसमें डलता है। तो सबसे पहले हमने मकई का आटा ले लिया और साथ ही हमने ये थोड़ा सा दूसरा गंदम का आटा ले लिया, ठीक है। और ये देसी घी लिया हमने, आप चाहें तो दूसरा भी डाल सकते हैं। और ये नीम गर्म पानी में, ठीक है। तो चलिए अब हम गूंदना स्टार्ट करते हैं। अब हम घी डाल देते हैं और अब हम गूंदना स्टार्ट कर देंगे। और ये साथ में अब हम नमक भी डालने लगे हैं, और जो हमने घी वगैरह डाला था ना, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे खुश्क में ही, तो उसके बाद ही पानी डालेंगे। अच्छा, तो ये हल हो चुका है, अब हम इसके अंदर पानी डालने लगे हैं। और ये गंदम का आटा हमने इसलिए मिक्स किया कि ये जो टूट जाती है ना रोटियाँ, तो अच्छे से ये बनती नहीं है, तो इस वजह से गंदम का आटा मिक्स किया कि ये मतलब कि सही अच्छी गोल गोल बने, ठीक है। तो अभी हम इसको अच्छे से गूंद लेते हैं और फिर जब गूँ जाएगा तो हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल। अभी तो ये हमारे आटा जो हमने गूँद लिया है उसकी फाइनल लुक है। तो अभी हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, और तब तक हम जो साग है ना उसको हम कर लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं साग को देसी घी के साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने ना ये एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, और साथ में हमने देसी घी डाल लिया है अपने हिसाब के मुताबिक। तो अभी हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं प्याज को। और आज जो है ना, मैंने मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, इनके अंदर लच्छा वगैरह का पेस्ट आने लगे हैं तकरीबन एक समय। लहसुन अदरक भून चुके हैं, अब हम साग डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, अब हम इसको उतार लेते हैं, ये अच्छे से भून चुका है। अच्छा, इसको अब हम ढक देते हैं। दूसरी साइड पे हम बनाने लगे हैं मकई की रोटी, तो ये हमने ये पेड़ भी बना ली हैं इसके। अब हम इसे बेल रहे हैं बंद कर। पहले मैंने बड़ी रोटी ट्राई की थी बनाने के लिए, लेकिन वो सारी टूट फूट गई थी। फिर मैंने जो है ना पीड़ा उसको छोटा किया, छोटी लोई लिया आटे की, उसको फिर मैंने लिया और ये माशाल्लाह जैसे कुछ नहीं चाहिए। अब हम इसी तरह सारी छोटी छोटी बेल के इसको पका लेते हैं। अच्छा, ये देखें जी, हमारी ये फाइनल लुक है साग की और रोटी की। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साग की मैंने अभी वीडियो नहीं डाली, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी डालूंगी। लेकिन बहुत मज़े का साग भी बना हुआ है और रोटी भी हमारी बहुत ही मज़े की बनी हुई है, क्रिस्पी। तो आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किसको मकई की रोटी और साग पसंद है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।